हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी, यूडीसी और स्टेनोग्राफर की कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं क्लर्क और स्टेनो दोनों की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। ओके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार एक अच्छा अटैम्प्ट क्या रहा होगा। दोस्तों, ये अटैम्प्ट मैंने एग्ज़ाम एनालिसिस करने के बाद और रिव्यू देखने के बाद ही, एनालिसिस करने के बाद ही मैंने आपके सामने इसको रखा है कि एक अच्छा अटैम्प्ट क्या रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्लर्क की यानी यूडीसी की, तो उसमें अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर आपने देखिए जीएस जो है कितना ही ईजी हो, लेकिन उसमें 100% आप मार्क्स नहीं ला सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रखा है स्कोर 18। अगर आपने 18 क्वेश्चन आपके सही है तो एक अच्छा स्कोर है इसमें। उसी प्रकार से अगर मैथ, देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो, 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जो रिव्यू दिया गया है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अब ये कह रहे थे कि इसमें एडवांस मैथ नहीं आया है, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें जब एडवांस मैथ नहीं आया और अरिथमेटिक मैथ आया, वो भी इजी लेवल का, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप 100% मार्क्स ला सकते हो इसमें। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 22 यानी 22 क्वेश्चन को रखा है। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही है, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर इतने क्वेश्चन आपके सही है तो एक अच्छा अटैम्प्ट है। उसी प्रकार यहाँ पर रीजनिंग में भी अगर आपके 23 के आसपास अगर क्वेश्चन सही है तो एक अच्छा अटैम्प्ट है। मैंने दोनों को मिलाकर यहाँ पर 45 जो है स्कोर कर दिया है आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो अगर इतने आपके सही है, चाहे आपने मैथ में कम किए हो, रीजनिंग में, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन दोनों में मिला करके कितने होने चाहिए आपके 45, जो कि एक आसानी से हो सकते हैं, कोई इतनी मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश भी ईजी थी, तो यहाँ पर भी मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर माने हैं कि अगर आपने इतने क्वेश्चन आपके सही है तो एक अच्छा अटैम्प्ट है, ठीक है। जीएस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो इजी ही बताई गई है, ठीक है। अगर आप कमेंट पढ़ करके देखेंगे तो काफ़ी बच्चे जो है काफ़ी अटैम्प्ट बता रहे हैं कि 90 प्लस जो है अधिकतर बच्चे बता रहे हैं कि मैंने इतने किए हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है गलत निकल जाते हैं, जिससे उनके मार्क्स जो है कम हो जाते हैं। तो आप उन पर बिल्कुल भी मतलब टेंशन ना लें। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलिए तो मैं यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लर्क की कट ऑफ के बारे में, ठीक है, यानी यूडीसी की हम बात करेंगे कि इसकी जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट वाइज जो है फॉर्म भरे गए हैं, तो लगभग जहाँ तक चांस है 99%, तो स्टेट वाइज ही आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इतनी जो है कट ऑफ जाने की चांसेस है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। देखिए, अगर यूआर की बात करें तो 160, इसमें आप प्लस माइनस 5 भी कर सकते हो, तो 160 प्लस माइनस 5 जो है कट ऑफ जाने की चांसेस है। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर 155, और इसमें भी आप प्लस माइनस करना है, सभी में आपको प्लस माइनस 5 करने हैं, ठीक है। और एससी की अगर बात करें क्लर्क में तो 145, और एसटी की अगर बात करें तो 140। ये मैंने एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ मैंने तैयार की है, तो इतने जाने के चांसेस है, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। देखिए, स्टेट वाइज ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि सबका एग्ज़ाम जो है सेम था, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन डिफरेंट अगर आएगा तो वो आएगा वैकेंसी से, अगर जहाँ पर कहीं पर ज़्यादा वैकेंसी कम है तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यूडीसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। और अगर आपके इतने देखिए, जो फर्स्ट पेपर था वो क्वालिफाइंग नेचर था, केवल उसके मार्क्स आपके फाइनल में नहीं जुड़ेंगे, तो ये आपको क्वालिफाई ही करना है। अगर इतने नंबर आपके हैं या थोड़ा बहुत इसके नीचे भी है, तो आप सेकेंड स्टेज के लिए यानी जो मेन्स का एग्ज़ाम है उसके लिए आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, भले ही आपके चाहे इससे कम मार्क्स हो, इसके आसपास थोड़े कम मार्क्स हो, लेकिन आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि प्रिपरेशन अगर आप स्टडी करेंगे तो आपकी बेकार नहीं जाएगी, वो अगले एग्ज़ाम में भी काम आएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। तो स्टेनोग्राफर
के बारे में अगर बात करें, ओवरऑल की बात करूँ तो मैं यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 160 जो है UR यानी अनरिजर्व, 155 OBC, 145 आपके SC और 140 ST। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी स्टेनोग्राफर वालों को, कहीं कहीं बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर केवल और केवल एक ही सीट है, जहाँ पर केवल और केवल एक ही सीट है, तो वहाँ जो कट ऑफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जाएगी, इससे काफ़ी ज़्यादा अधिक जाने वाली है वहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर बहुत कम वैकेंसी है वहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाएगी, कहीं कहीं बहुत सारी स्टेट ऐसे जहाँ पर केवल एक ही सीट है, तो वहाँ पर तो अनएक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ जाने वाली है, तो ठीक है आप समझ ही सकते हो कितनी वहाँ पर कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो लेकिन अगर जहाँ पर अच्छी थोड़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर मान के चल सकते हैं आप, यहाँ पर इतनी 160, 155, 145 और 140, ठीक है, इससे कम जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम एनालिसिस में काफ़ी इजी क्वेश्चन जो है बताए गए हैं कि काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कट ऑफ मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, ये कट ऑफ आपको कितनी आपके हिसाब से कितनी सही लगती है कमेंट करके ज़रूर बता रहे हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और, अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।